दोस्तों गुड आईएमसी, मैं आपका दोस्त मनीष हाजिर हूँ आईएमसी का शानदार और ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेकर, जिसका नाम है आईएमसी का नवरत्न मल्टीग्रेन आटा। मैं आपको बताऊंगा आईएमसी के नवरत्न मल्टीग्रेन आटे से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, इसमें कौन कौन से सामग्री सम्मिलित हैं, इससे क्या लाभ होगा, सारी जानकारी आपको डिटेल्स में दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आईएमसी ने पेश किया है आईएमसी का शानदार प्रोडक्ट जिसका नाम है नवरत्न मल्टीग्रेन आटा। इसमें सम्मिलित सामग्री इस प्रकार है। जौ, रागी, ज्वार, चना, बाजरा के मिश्रण से तैयार एलोवेरा, अश्वगंधा, शंखपुष्पी, ब्रह्मी से युक्त सामग्री से मिलकर आईएमसी का नवरत्न मल्टीग्रेन आटा बना हुआ है। दोस्तों आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर सजग हो रहे हैं और इसलिए बाज़ार में उनके लिए अलग अलग तरह का आटा मिलता है। फिर भी कौन से आटे से बनी रोटी खाई जाए, इस बात को लेकर सभी कंफ्यूज रहते हैं। आटे से बनी चपाती सभी को अच्छी लगती तो है, वहीं नॉनवेज के साथ रुमाली नॉन फर्मेंटेशन की गई खमीर रोटी लोगों को पसंद आती है। लेकिन कौन सी रोटियां हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद है और किस तरह के आटे से बनी हुई चपाती हमें खाना चाहिए, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। यदि आप भी ऐसे ही कंफ्यूजन में हैं तो आज हम आपको बताएंगे आईएमसी के नवरत्न मल्टीग्रेन आटे से बनी हुई रोटियों के बारे में, जो आपकी सेहत में चार चांद लगा देती है। आइए जानते हैं आईएमसी के नवरत्न मल्टीग्रेन रोटियों के फायदे के बारे में। दोस्तों गेहूं के आटे के बजाय बेहतर सेहत के लिए अलग अलग तरह के अनाज को मिलाकर बनाए गए हैं और इस आटे से यानी आईएमसी के मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटियाँ खाने की सलाह दी जाती है। लोग अपने ज़रूरत के अनुसार उसको यूज़ करते हैं। मल्टीग्रेन रोटियों की खासियत है कि ये अलग अलग तरह की दालों और ग्रेन से बनी होती है। जाहिर है इसमें सादे आटे से बनी रोटियों से अधिक पोषक तत्व होते हैं। मल्टीग्रेन रोटियों में हमें समान रोटियों की तुलना में दोगुना पोषण मिलता है। साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। खास तौर पर जिन लोगों को कब्ज की शिकायत होती है, उन्हें आईएमसी का नवरत्न मल्टीग्रेन रोटियों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इन रोटियों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है। इसीलिए आप लंबे अंतराल में खाना खाते हैं, जिससे आपका वज़न नियंत्रित रहता है। जो डाइटिंग करते हैं उनके लिए मल्टीग्रेन रोटियाँ किसी वरदान से कम नहीं हैं। मल्टीग्रेन रोटियों में मौजूद फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की वजह से आपका शरीर अंदर से मजबूत बनता है। रोज़ाना मल्टीग्रेन रोटियां खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से आप बचते हैं। साथ ही आपको आईएमसी के नवरत्न मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटियां शरीर में फैट जमा होने नहीं देती है, जिसकी वजह से रक्तचाप और मोटापे से परेशान लोगों को। इसीलिए आपको आईएमसी के नवरत्न मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटियां आपके सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है। आज के समय में लगभग हर इंसान अपनी व्यस्त दिनचर्या में उलझा रहता है। वह हर कार्य को जल्दी जल्दी पूरा करने की इच्छा के कारण कई बार खाने से परहेज करने लगता है। ऐसे समय में इंसान चाहता है कि उसे ऐसा खाना मिले जो जल्दी बनकर तैयार हो जाए और बेवजह किसी कारणवश वक्त बर्बाद ना हो। अपने इसी तरह की जल्दबाजी के व्यवहार और पौष्टिकता को छोड़कर स्वाद चाहने वाले लोग फास्ट फूड जैसे खाने की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और उन्हें खाने में मैगी, बिस्किट्स जैसी चीज़ें अधिक पसंद आती है। इस तरह की चीज़ें उन्हें जल्दी तो मिल जाती है, परंतु इनसे शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे में लोगों को इस तरह का भोजन करना चाहिए जिससे एक ही भोजन में कई सारे अनाजों के पोषक तत्व उन्हें प्राप्त हो जाएं। इससे उनके स्वास्थ्य को कोई भी नुकसान नहीं होता और यह पौष्टिकता से भरपूर होता है। क्या आप जानते हैं यह कैसे संभव है? एक ही साथ कई सारे पौष्टिक तत्व मिल सकते हैं आपको आईएमसी के मल्टीग्रेन आटे से, जिसे कंबाइंड फ्लोर भी कहते हैं। मल्टीग्रेन का अर्थ होता है कि बहुत सारे अनाज और आटे के विषय में आप सब जानते ही होंगे। इस तरह वह आटा जो विभिन्न प्रकार के अनाजों से मिलकर बनाया जाता है, उसे मल्टीग्रेन आटा कहते हैं। चार या पांच अनाजों के आटे को मिलाकर कंबाइन आटा तैयार किया जाता है।
यह शरीर के लिए अत्यंत ही लाभकारी होता है और इसमें कई सारी सब्जियों की स्टफिंग भर के इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। क्या आप लोग यह भी जानते हैं कि इसके क्या क्या लाभ हैं? तो आइए इसके लाभ के बारे में जानते हैं। IMC के नवरत्न मल्टीग्रेन आटे का उपयोग विभिन्न रोगों के बचाने के लिए किया जा सकता है। रक्तचाप से बचाव के लिए मल्टीग्रेन आटे का सेवन अत्यंत लाभकारी होता है। दोस्तों, इस आटे में गेहूं, सोयाबीन, चना, अलसी और कुछ दालों के आटे मिलाए जाते हैं। मोटापे से ग्रसित व्यक्तियों के लिए भी IMC के मल्टीग्रेन आटा किसी वरदान से कम नहीं होगा। ऐसे पुरुष और महिला जो कमजोरी और दुर्बलता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए मल्टीग्रेन आटा शारीरिक हष्टपुष्ट बनने में सहायक होती है, इसके लिए आपको IMC का नवरत्न मल्टीग्रेन आटे का उपयोग करना चाहिए। एक बड़ी बीमारी मधुमेह का बचाव भी मल्टीग्रेन आटे द्वारा हो सकता है। इस आटे में मेथी और जौ के आटे को गेहूं के आटे के साथ मिलाकर खाना चाहिए। यह डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी सहायक होता है। महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स का कभी कभी असंतुलन हो जाता है, जिससे कई प्रकार की परेशानियाँ होती हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप IMC से बने नवरत्न मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल ज़रूर करें। बच्चों के लिए भी इस प्रकार का आटा बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है, जो बच्चों के बुद्धि और विकास में सहायक होता है। इसके लिए आपको IMC का मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह के आटे से शरीर को भरपूर पोषक तत्व मिलते हैं और शरीर में फैट भी कम होता है। इससे शरीर को फाइबर अधिक मिलता है, जिस कारण यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दोस्तों, IMC का नवरत्न मल्टीग्रेन आटा यह पाचन तंत्र को मजबूत रखता है और खाने को पौष्टिक बनाता है। इस प्रकार की रोटी में आयरन, विटामिन, प्रोटीन पूरी तरह से मिले हुए होते हैं, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। इस आटे की रोटी बनाने के लिए सभी अनाजों के आटों को मिलाकर उसे गूंथना होता है। इसके बाद इसमें नमक, हरी सब्जियां, पालक तथा और भी अन्य चीज़ें जो आपको पौष्टिक लगते हैं वो डाल सकते हैं, इससे स्वाद बढ़ता है। इसके बाद अब इस आटे को गूंथ कर इसकी छोटी छोटी लोई तैयार करके रोटी बनाकर तवे पर सेकने से यह रोटी बनकर तैयार हो जाती है। पौष्टिकता से भरपूर यह रोटी शरीर को स्वस्थ रखने में अत्यंत ही मददगार साबित होती है, इसीलिए सभी को इस तरह की रोटी का सेवन अवश्य करना चाहिए। यानी आपको ये सलाह दी जाती है कि आप IMC के नवरत्न मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल अपने और अपने परिवार को ज़रूर कराएं, जिससे आपका और आपके परिवार का जो सेहत है यानी स्वास्थ्य है वो बहुत ही बेहतर रहेगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों तथा अनुभवों के द्वारा एवं प्राचीन तकनीकी से प्रेरित होकर IMC प्रस्तुत करती है बिना किसी कृत्रिम सामग्री के 100% प्राकृतिक और कोलेस्ट्रोल मुक्त IMC का नवरत्न मल्टीग्रेन आटा। IMC का नवरत्न मल्टीग्रेन आटा कई प्रकार के अनाजों का अद्भुत मिश्रण होता है। यह विटामिनों का उत्तम स्रोत है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में अत्यंत लाभदायक साबित होता है तथा शरीर को ऊर्जावान बनाता है। फाइबर्स भोजन को आसानी से पचाते हैं। संतृप्त वसा की कम मात्रा हृदय को स्वस्थ रखती है। यह हड्डियों और मांसपेशियों के विकास में लाभकारी है, शरीर को स्वस्थ रखता है एवं शरीर को होने वाले रोगों से बचाने में लाभदायक होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से युक्त है, जो बुरे कोलेस्ट्रोल और वसा का ऑक्सीकरण करता है। इसका रोज़ाना सेवन न सिर्फ कोलेस्ट्रोल और कब्ज के बुरे प्रभावों से आराम दिलाता है, बल्कि बहुत से रोगों में आराम पहुँचाने में भी सहायक होता है। यह घुलनशील और अघुलनशील फाइबर्स का उत्तम स्रोत है, जो आंतों को साफ करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। पाचन और हृदय रोगों के खतरे को कम करने में सहायक होता है। यह स्टेमिना बढ़ाता है, हड्डियों को कैल्शियम की कमी से बचाने में प्रभावशाली होता है। दोस्तों, ये तो हो गया IMC के नवरत्न मल्टीग्रेन आटे से होने वाले फायदे, उसके लाभ के बारे में और कौन कौन सी सामग्री इसमें मिली है। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल करने की विधि के बारे में। तो IMC के 1 किलो नवरत्न मल्टीग्रेन आटे को 10 किलो साधारण गेहूं के आटे में मिलाएं और स्वास्थ्यवर्धक और शुद्ध रोटियां खाएं और अपने परिवार को खिलाएं। तो दोस्तों, ये तो हो गया IMC के नवरत्न मल्टीग्रेन आटे के इस्तेमाल करने की विधि के बारे में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को IMC के नवरत्न मल्टीग्रेन आटे से होने वाले फायदे, इसके उपयोग करने की विधि, इसमें कौन कौन सी सामग्री मिली है,
सारी जानकारी आपको डिटेल्स में मिला होगा। दोस्तों आपको दोबारा बताना चाहूँगा, ये नेक्स्ट मंथ में अपकमिंग प्रोडक्ट है जो कि अगले एक महीने के अंदर सभी IMC के TD आउटलेट और CSC सेंटर पे मौजूद होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारी जानकारी इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से मिली होगी। अगर आपको लगता है कि सारी जानकारी आपको मिला है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की जो घंटी है उसको आप दबा लें। इससे ये फ़ायदा कि जो अगला वीडियो बनेगा वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, खासकर जो आपके डाउनलाइंस हैं, उनके पास आप शेयर कर दें ताकि उनको भी IMC के इस नए अपकमिंग प्रोडक्ट नवरत्न मल्टीग्रेन आटे से होने वाले फ़ायदे और इसके लाभ क्या, कौन कौन सी सामग्री मिली है, सारी जानकारी उनको भी डिटेल्स में मिल पाए। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड IMC।